दोस्तों, आज हम बनाएंगे लौकी का पराठा, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ जो हमने लौकी को अच्छे से धो करके छील करके ले लिया है, तो अब इसे जो है हम कद्दूकस करेंगे। तो देखिए, लौकी को जो है हमने कद्दूकस कर लिया है। तो देखिए, हमने सभी लौकी को जो है कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें जो है हम 2 कटोरी इसमें हम गेहूं का आटा डालेंगे, साथ में फ्लेवर के लिए अजवाइन डालेंगे। अजवाइन से जो है पराठा में बहुत ही अच्छा खुशबू आता है। और यहाँ कलर के लिए हल्दी डालेंगे और थोड़ी सी यहाँ लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। यहाँ अब हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अब इसमें हम भुना जीरा का पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच। अब इसमें हम थोड़ा सा मोयन के लिए यहाँ पर 2 चम्मच तेल डालेंगे। तो यहाँ आप रिफाइन ऑयल या फिर घी, जो भी आप खाते हो ये वो इसमें आप डाल सकते हैं। तो अब हम डो लगाएंगे। तो डो लगाने के लिए जो है हम अभी पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारे लौकी में जो है पानी रहता है। तो पहले हम ऐसे ही डो लगाएंगे। अगर पानी की आवश्यकता होगी तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो हमने जो है यहाँ डो लगा लिया है। तो अब जो है यहाँ पर हम बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्ची और धनिया पत्ता इसमें डालेंगे। तो देखिए, हमने रोटी के जैसा डो लगा लिया है, सॉफ्ट डो है। तो चलिए अब हम यहाँ पे रोटी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लोई हाथ पे लेंगे और उसे हम अच्छे से मसल करके उसके बाद इस आटा में हम इसे कोट करेंगे और फिर हम रोटी बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो है हमने यहाँ रोटी का शेप दे दिया है। तो देखिए, ये कितना अच्छा से हमारा रोटी बन रहा है। तो हमारा रोटी जो है वो बन गया है और ये बिल्कुल रोटी की तरह ही है, बस ना ही ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला है। तो इधर जो है हमने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब जो है हम तवा पे ये पराठा जो हमने बनाया था वो इस पे हम डालेंगे। लौकी का जो पराठा था, अब ये एक साइड से सिक गया है, तो इसे दूसरे साइड से भी हम सेक लेंगे। तो देखिए, ये दूसरे साइड से भी सिक गया है। तो अब इस पे जो है हम तेल लगाएंगे। आप चाहे तो इस पे घी भी लगा सकते हैं। तो हमने एक साइड से इस पे तेल लगा दिया है, तो अब दूसरे साइड से इस पे तेल लगाएंगे और इसे अच्छे से हम सेक लेंगे दबा दबा करके, जिससे कि हमारा पराठा जो है वो अच्छे से सिक जाए। तो देखिए, यहाँ पे जो है हमारा पराठा अच्छे से सिक गया है। तो अब जो है हम इसे निकाल लेंगे और सेम तरीके से हम दूसरा वाला भी बनाएंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे पराठा दूसरा वाला भी इस पे डाल दिया है और इस पे अब हम तेल लगा देंगे और हमारा पराठा जो है वो सभी पराठे जो हैं बन करके अब तैयार हो गया है। तो देखिए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो अब जो है आप इसे गर्मा गर्म टमाटो केचप, हरी चटनी या फिर दही के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। तो यहाँ जो है मैंने सलाद और दही के साथ सर्व किया है। तो अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि कैसी बनी है।